कैसे पता चला वैशाल जी, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट ऑन दिस? इंस्टाग्राम सर अच्छा, और आपका कितने एड ओके देखा था। कितने तो इमिडिएटली जो आपका एक सेशन था वो सेशन मैंने ज्वाइन किया, ओके जो हाँ दो एक आई थिंक 3 वीक्स बैक ये मैंने ज्वाइन किया आपका। तो तीन फिर इसके बाद वीक तो पहले आपने वो बेसिक जो सेशन हमारा चलता है उसको आपने यस ज्वाइन यस किया। यस ऑसम। यस यस हाँ, हाँ। उसमें हमने तो कहा उसके बीच में भी 8-10 दिन थे अब मेरे पास कि आपका सेशन जो एड देखा वो इमिडिएटली पेमेंट कर दिया। एंड देन आई गॉट द यूट्यूब आपके जो वीडियोस रहते हैं ना उसका लिंक आने लगा, तो वो मैंने देख लिया था लिंक। तो थोड़ा सा मालूम पड़ गया था कि जिस तरीके से आपने बताया था सेशन में भी, तो आई रिकॉल दैट ऑल द थिंग्स बिकॉज मुझे भी थोड़ा सा ये सीखने का बहुत शौक है। शौक मीन्स इट्स माई हॉबी कि मुझे मेरे मेरे तक मैं रखती हूँ, क्योंकि सभी लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है समटाइम्स। सही। प्रोफेशनली बात करेंगे तो अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी चीजें आई मीन्स हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, इसीलिए मैं वो ज्यादा स्प्रेड नहीं करता थी। बट उससे मैंने थोड़ा सा जो अभी वॉच लिया ना वो छोटी वॉच थी जो आपने बोली थी ना मुझे, दैट गायनिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल, आई इमिजिएटली चेंज माई वॉच। बट मुझे कौन सा चाहिए था ये मुझे पता नहीं था, बट बिग साइज का वॉच पहनना चाहिए, सो आई बॉट दैट वॉच विच आई एम गिविंग यू मीन्स शेयरिंग यू हाँ, ना। यस सर स्पेसिफिकली क्या होता है कि आपके जो लाइफ का नेचर होता है ना, कि किस तरह से आपने लाइफ जी है, क्या चैलेंजेस आपको लाइफ में अभी जा रहे हैं, तो उसके हाँ अकॉर्डिंग वॉच सिलेक्ट करना रहता है। इट इज अबाउट दैट कि हाउ टू सिलेक्ट अ वॉच, यस इट हैज डिपेंडेंट ऑन योर द वे यू लिव द लाइफ राइट नाउ। तो यह यस है सर आपका यस सर वॉच, ये वॉच की आप बात कर रहे हो। यस ओके, सर कितने दिन पहले खरीदा आपने ये वॉच? सर 1 मंथ हो गया इसे। हाँ, तो काफी कम समय में। ठीक है, तो यस, वी लाइक टू गो फर्स्ट नाउ। दो मेल्स को हमने चांस दे दिया है, अभी प्रतीक्षा जी से चालू करते हैं। प्रतीक्षा जी, वन एनालिसिस फॉर दिस वॉच, व्हाट विल यू से फर्स्ट थिंग? अभी इन्होंने बहुत सारे अपने तकलीफों को देखा है, तो इसीलिए अभी इनका इंटेंशन ये है कि अपने आप को स्ट्रांग करें, लोगों के सामने अपना एक पहचान बनाए, ये वो चाहते हैं। ओह, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली राइट एब्सोल्युटली राइट बहुत सही प्रतीक्षा जी, वेरी नाइस। यस, शीतल जी, क्या कहना चाहोगे आप? बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स मे बी शी सीन इन हर लाइफ, शी वॉन्ट्स टू बी नाउ मोर रिलैक्स्ड, मोर कैजुअल एंड मोर लाइक थिंक एंड टेक द डिसीजन। लाइक मतलब बहुत हेस्ट में नहीं लेना, कैजुअली रिलैक्स होके और उसको रिस्पॉन्ड करना। प्लस मे बी वन थिंग इज मोर, शी विल स्टार्ट जेलिंग मोर विद द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड अंडरस्टैंड देम एंड बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम, वेदर इट्स इन द वर्क प्लेस, वेदर इट्स इन द फैमिली, एनी ऑफ देम। सो आई थिंक सो ग्रेट, एंड मोर एवर शी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हर सेल्फ अ लॉट नाउ, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अदर पीपल शी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वेल बींग एज वेल एज ब्रिंगिंग द गुड क्वालिटीज इन हर टू द बेस्ट एक्सटेंट। अमेजिंग। तो क्या ऐसा कुछ हुआ कि पिछले एक महीने में थोड़ा वजन भी कम हुआ है बाय एनी चांस? यस सर एक्चुअली मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी एंड दैट स्मॉल वॉच थी, एकदम स्मॉल रागा की वॉच थी एंड आई लव्ड इट दैट वॉच, बट आई सैक्रिफाइस दैट बिकॉज आई नो कि दिस इज समथिंग मीन्स क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे इसमें उसके बहुत से निगेटिविटीज या बीमारियां उससे आने लगी थी, ऐसा वो रियलाइज हुआ। निगेटिव थिंग्स बहुत आते थे मीन्स उसमें से, बट ये वॉच पहनने के बाद अभी मुझे मालूम नहीं था कि इसका एनालाइजिंग क्या होने वाला है, बट मेरा जो ओन कॉन्फिडेंस या मेरा जो है ना कि आई डोंट नो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना वो ऐसे छूट रहे, मींस जो स्टक हो रहा था ना वो थोड़ा रिलीज होने लगा है। क्या करते हो आप? मीन्स मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ गया है बिकॉज ऑफ बिग वॉच। आपने बोला था मैंने सिर्फ बिग वॉच खरीदा, बाकी का खर्चा जाने दो, अगर जा रहा है तो मुझे पैसा आएगा, ये आपका ये जो वर्डिंग था ना वो मैंने सुना था सेशन में। ग्रेट, थैंक यू। क्या करते हो ऐसा आप? सर एक्चुअली मेरा बहुत मीन्स होटल इंडस्ट्री में आई एम अ फाइनेंस हेड, बट मैंने वो जॉब छोड़ दी थी मेरा एक्सीडेंट होने के बाद। देन मैंने खुद का मेरा आउटलेट चालू किया था बट ड्यू टू कोरोना आई क्लोज दैट एंड राइट नाउ आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन अ मैक्स लाइफ।
एंड एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस. Awesome. बट माई Great. कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्ट विद द पीपल ना बिकॉज ऑफ दिस वॉच बहुत अलग तरीके से अच्छा हो चुका है. इतना मुझे मेरा खुद का एनालाइज मुझे पता था, लेकिन मुझे मेरे इसमें अगर कुछ निगेटिविटी रहेगी ना, आई वॉन्ट टू रियल कि मुझे उसमें से कुछ हाँ बताते थोड़ी देर नुकसान. निगेटिविटी में बताता हूँ, बाकी इनको अच्छा एनालिसिस करने दो। यस अभिजीत जी बोलिए, क्या एनालिसिस करना चाहोगे आप? आफ्टर वेयरिंग दिस वॉच शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, पहले से बेटर, और वो अपने कामों को प्रायोरिटी दे रही है, प्रायोरिटी वाइज कर रही है. और दूसरा कि उनके लाइफ में जो आ रहा है स्ट्रेंजर पीपल आ रहे हैं और काफ़ी प्रीमियम पीपल आ रहे हैं, मतलब प्रीमियम क्लाइंट्स उनको उनको मिल रहे होंगे ओ अकॉर्डिंग ग्रेट, टू वेरी दिस नाइस। तो वॉच. इनका कहना है कि अभी आप भी जो है आप नए नए लोगों को मिल पा रहे हो, ऐसे लोग जो थोड़े से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, और वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं नए नए, अच्छा ये अभी तक मेरे तो इतना नहीं हुआ है, बट को। जो बैक में मींस जो पहले 5 6 महीने या 7 8 महीने मैंने जो किया था उसमें से लोग रिकॉल हो रहे, फिर से ज्वाइन होने लगे हैं. तो कैसे होता है ना वैशाली जी, आपने अभी नया नया पहना है उसको, एक ही महीना हुआ यस है ना, सर, तो उसके कम समय, यस लेकिन सर. आप तो देखोगे अभी इस वॉच के इन्होंने जो बोला है अभी जी ने, वो आपके लाइफ में होना चालू हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि लोग यस रिकॉल कर रहे हैं, लोग कॉल बैक कर रहे हैं, लोग आपसे को वापस से कनेक्ट हो रहे हैं, यस सर. तो यस वो सब चीजें जो है वो हो गया ऐसे। ओके नाउ हु एल्स, यस शिवान जी। सर, अब आपको मैम अपने काम करने में ना परफेक्शन भी आ रहा है, मतलब आप परफेक्शन के साथ किसी काम को कर पा रहे हो इसलिए. और सेकंड थिंग, आपके पास क्लाइंट्स अगर नहीं आ रहा है तो भी आप जो भी आ रहा है उनसे अच्छे से मतलब बातचीत ले जाए, आपका काफी अच्छा हो गया है जिससे कि आपको कन्वर्ट लीड हो रही है उसमें फील्ड में आपके. यस 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 Awesome. Great. Good analysis. और नेगेटिव चीजें इसके बारे में बोलना चाहूंगा तो आपको ना इस मोमेंट पे आप थोड़ा सा डरोगे, है ना, थोड़ा सा डर जो है आपका बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्टेटिंग द थिंग्स टू अदर पीपल ऑनेस्टली। तो बहुत बार आप ना थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर होगी कि किसको क्या बोलना है नहीं बोलना है उसके बारे में, तो थोड़ा सा संभल संभल के बात करोगे। तो देखो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। यस सर. सर इट्स वो काइंड डर ऑफ पहले बहुत था, पहले बहुत डर था, मीन्स ये वॉच खरीदने से पहले बहुत डर था, मीन्स मुझे चेस्ट पेन होने लगा था, यहाँ तक मुझे डर था लोगों के कोई बोलेगा. और मुझे कैसे ना लाइफ में मैंने कभी मीन्स देर वेरी हिस्टोरिकल मीन्स मेरा लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस थे. आई एम ए सिंगल मदर, मैं आई लॉस्ट माई हजबेंड 30 ईयर्स बैक व्हेन आई एम 25 ईयर्स ओल्ड. बट आई एम मेरी एक डॉटर है हु इज 27 ईयर्स ओल्ड, उसको मैंने 2.5 ईयर्स से लेके अभी तक मैंने खुद अकेले ने संभाला है उसको. तो डर बहुत लगता था, जब एक्सीडेंट हो गया ना तो कुछ नहीं था, फिर उसमें से फिर से खड़ा होके फिर से मैंने, बोलते हैं ना कि पूरा फ्लैट हो चुका था, फिर से उसमें से मैं स्टेबल हो गई हूँ. तो वो थोड़ा सा अप डाउन का जो डर था ना वो बहुत था कंपेयर टू ये. इस महीने से मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं अभी अच्छा इसमें ही होगा, ये पॉजिटिव थिंग बहुत हो गया है. इसमें आप जो बोल रहे हो वो अच्छा ही होगा। तो आपने एक अच्छा वॉच चुना है वैशाली जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड सैल्यूट टू योर एफर्ट्स, यू नो सिंगल मदर फाइटिंग एंटायर वर्ल्ड टू रेज योर सेल्फ एंड योर किड, इट्स अमेजिंग फिट यू अचीव। सो कैन यू राउंड अप्लॉज फॉर वैशाली जी, दिस इज अमेजिंग। तो सैल्यूट टू योर एफर्ट्स, और भी बहुत अच्छा वॉच आपने चूज किया है, छोटी मोटी है, उतना उतना आप परेशान मत होइए। इस वॉच में और एक अच्छी चीज़ है कि अब आपके जो रिलेशनशिप बन रहे हैं ना वो बहुत अच्छे बन रहे हैं, मतलब आपका प्यार बढ़ रहा है लोगों के साथ, आपका अटैचमेंट बढ़ रहा है, तो जो भी आपकी लाइफ में अभी आ रहा है वो बहुत अच्छा है ना, मतलब जो भी सर आएंगे एक वो। और एक चीज मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो रियलाइज हुआ ना कि जो बहुत पहले गुस्सा जो आता था, मे बी वो कलर का होगा उसका, क्योंकि तो और छोटा साइज था ना तो इमिजिएटली गुस्सा आता था, वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुका है. हाँ तो यस ये भी आपने सही कहा, ये हमारे हमारे लोगों ने कहना चाहिए, करना चाहिए था एनालिसिस यस बेसिकली, बट है ना आप सभी लोगों को दिख रहा है कि उनका गुस्सा कम हो गया है, प्यार बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है लाइफ में, है ना, तो इट एक्सेप्टेंस इज वेरी काफी गुड। बढ़ रहा है. हाँ पर हम ईसीएस लोगों ने बोलना चाहिए था, बट उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई मैं इशू बोलने से पहले उन्होंने बोल लिया तो मैंने चुप हो गई. नहीं।
मैं उनको बोलना चाहती थी, उनको अपने घर के बारे में बहुत चिंता है बोल के, तो आपने उन्होंने बोला कि अपने बेटे के, उनका बेटी है सिंगल मदर है बोला, तो मैं सोचा जो मैं बोलना चाहती थी सब पॉइंट ऑफ व्यू बोल चुके हैं, तो क्या ठीक है ग्रेट। सो कैसा लगा वैशाली जी ओवरऑल एनालिसिस जो हमारे सर? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मुझे ये कंटिन्यू करना है क्लास में, करूंगी, मैंने इवन तन्वी से बात भी किया था, तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपको करने की चाह हो तो रास्ते मिल जाते हैं। आई थिंक दैट वॉच मेरे लाइफ में आया है, या आपके साथ मैं कनेक्ट हूँ ना, मैं रोज एक एक वीडियो देखती हूँ मैं आपका। हाँ, आपका जितना आपने लाइफ स्टोरी मेरे को शेयर किया है, ये वॉच आपकी लाइफ में काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, और मैं जल्दी ही ज्वाइन हो जाऊंगी क्योंकि मुझे वो करना है क्लास पूरा, और क्योंकि मेरी डॉटर का भी मुझे है, तो इसीलिए सबके लिए, मीन्स किसी का बुरा नहीं हो रहा, दिख रहा है अपने को, तो वो अगर हम हमारी तरफ से थोड़ा भी किसी का अच्छा करने के लिए अगर हम अपना कुछ शेयरिंग कर सकते हैं ना, एंड मैं डेफिनेटली करूंगी वो। अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।